दोस्तों आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। दोस्तों अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड का फ़ोटो लगा सकते हैं, आप जिसका भी चाहें यहां पर फ़ोटो लगा सकते हैं अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर। दोस्तों जब आप WhatsApp ओपन करते हो तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड होता है उसका वाइट होता है। दोस्तों उस जगह पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी फ्रेंड का फ़ोटो लगा सकते हैं, तो जो भी आपके WhatsApp को देखेगा वो एकदम से चौंक जाएगा कि ये आपने कैसे किया। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो कैसे लगाओगे। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो कैसे लगाएं, तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये काम नहीं कर रहा है, कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे उसको, अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो कैसे लगाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको दूसरा WhatsApp डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू WhatsApp। ये WhatsApp है वैसे आपका, अगर नॉर्मल WhatsApp है तो वो भी आप काम करेगा। अगर आप यहाँ पर ये डाउनलोड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा ये यू WhatsApp है, और जो मेरा वैसे WhatsApp है नॉर्मल, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इधर है। तो इस तरह से आप दो WhatsApp चला सकते हैं एक मोबाइल में, आपको कोई एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर फ़ोटो कैसे लगाएंगे। तो ये आपको यू WhatsApp आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करोगे आप वो भी मैं बता दूंगा आपको। आप जाएंगे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र के आपको सर्च बार में टाइप कर देना है, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे यू, यहाँ पर आप WhatsApp, आप टाइप APK लेटेस्ट वर्जन आप टाइप कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही मिल जाएगा ये ओमे WhatsApp APK डाउनलोड। यहाँ पर आप इसको जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आपको मिल जाएगा एक डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहां से इसको डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं ये आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर जो इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों फिर इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके जो WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो, अपने फ्रेंड का फ़ोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं अभी कोई फ़ोटो नहीं है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यू मोड्स पर आप क्लिक करेंगे। मोड्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको करना है यूनिवर्सल पर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको करना है यहाँ पर कलर्स पर, कलर्स पर करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा तीसरे नंबर पर यहाँ पर बैकग्राउंड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी या फाइल मैनेजर फ़ोटोज़, आप कहीं से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो अपना एक फ़ोटो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब सेट करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेट वाले, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर ये वॉलपेपर सेट हो गया। फिर वापस आएंगे, वापस आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अभी तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो वाइट था, अब जो WhatsApp की होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो लग गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं जब भी यहाँ पर आप WhatsApp ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो यहाँ पर लग जाएगा। आप जिससे भी यहाँ पर टाइपिंग करें करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी नंबर होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp की होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।